हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्र जारी हुआ है निदेशक माध्यमिक शिक्षा का। इसमें जो है जो छुट्टी था 25 को जीवित पुत्री का व्रत का, उस छुट्टी में मतलब संशोधन हो गया, छुट्टी अब नहीं मिल पाएगी शिक्षकों को। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो परीक्षा का प्रोग्राम है उसमें जो है आंशिक संशोधन किया गया है। तो 18 से शुरू होने वाला है बुधवार से, तो 18 को पर्यावरण अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है कक्षा 3 से लेके 8 तक के लिए, और सेकेंड शिफ्ट में 1 बजे से लेके 3 बजे तक कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान विषय है, ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रभाषा है 3 से 8 के लिए और संस्कृत है 6 से 8 के लिए। और इधर जो है 2 दिन 25/9/2024 बुधवार को कक्षा 1 और 2 के लिए मौखिक परीक्षा अंग्रेजी का होगा, और 26 को गुरुवार को कक्षा 1 एवं 2 के लिए मौखिक परीक्षा होगा गणित का। तो पहले नहीं था प्रोग्राम जो था एग्ज़ाम का, उसमें बदलाव हो गया है। तो जीवित पुत्री का व्रत की छुट्टी थी 25 को जो घोषित थी, जो शिक्षकों को जो है नहीं मिल पाएगी, और इसमें कोई CL वगैरह भी नहीं मिलेगा क्योंकि परीक्षा अवधि में जो है कोई छुट्टी दे नहीं होगा। उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा के आयोजन हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं। निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी वही छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी अपने घर पर रहकर करेंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि निर्धारित तिथि एवं पाली में परीक्षा देने हेतु एक बेंच पर केवल 2 छात्र छात्रा बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा की अवधि में PM पोषण योजना अंतर्गत मध्यान्ह भोजन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर के BPMU के सदस्यों को उक्त परीक्षा का अनुश्रवण कराएंगे। विभागीय पत्रांक 704 दिनांक 11/9/2024 एवं निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के पत्रांक 3051 दिनांक 2/9/2024 को इस तक संशोधित किया जाता है। शेष खंडिकाएं यथावत रहेगी। योगेंद्र सिंह निदेशक माध्यमिक शिक्षा का जो है पत्र जारी हुआ है आज ही 14/9/2024 के डेट में। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।